मेरे कमरे डहा दिते ने। क्या कहते हैं गिरा गए तो तुसी इथो उठो। यहाँ पर धमके देने के लिए कौन आया था? कोई आया था? आजम पटवारी आया था, तहसीलदार आया था। इतने जेड़े यहूदा थोड़ा कम बाकी आ रहे ने जेड़े आके सही है कम। अच्छा। तीन बारी अवरेमली बोर्ड से मंजूर हो चुका है जी। उन्होंने जेड़ी कही बात एथे वाले नहीं बात छोड़ी। ओ सानू मिल जाओ जी, सानू मिल जाओ जी। गरीबा को बहुत सताई खलोते ने भाई जान, बहुत तंग की खलोते ने। मेहरबानी करो, बहुत दुखी है। तल्ला बेच बेच के घास तरी कमा कमा के जगह नहीं बना सकते। बनी हुई को गिरा रहे ने भाई जान। मंदिर गिरा देंगे, जगह फिर गिरा देंगे, सारी सब गिरा देंगे, बिल्डोजर फेर देंगे, बिल्डोजर फेर देंगे। इन्होंने बहुत गरीबा नाल बहुत सन 2002 में टूटी है। इन्हें सानू नहीं बढ़न दिया। हालांकि रैमली बोर्ड से मंजूर हो चुकी है। रैमली बोर्ड को इन्होंने तुहिन की है। इन्होंने बहुत सानू तंग कर रहे हैं भाई जान। कागज होने के बावजूद भी धमकी दे रहे हैं। पूरे कागज पूरे हैं भाई जान। मंदिर थोड़ा गिरा देवा, प्लाट गिरा देवा, थोड़े घर गिरा देवे। अच्छा, घर और मंदिर गिराने का भी कह रहे हैं? ना हमारा मंदिर गिराया जाए, ना हमारे घर गिराया जाए। धमकियां भी देते हैं, ना हमारे बच्चों को बीवियों को ना दिन सुकून है ना रात सुकून है। हमें इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, वरना हम रोड़ों पे निकल आएंगे। मंदिर के लिए हम अपनी जाने और भी कुर्बान। मरियम नवाज ने मैं आई को हूं भाई मोना मोरी देई हम तो जगह दे दे। लोगों ने रकबा देना है, जिम्मेदारों ने कोई दिनो है, कोई कोई दिनो। मैं गरीब है, ये टुकड़े आटा पहुँच मर लो आटा मोने क्यों आई बारे काटे। देखें जी, कागज होने के बावजूद भी इनको जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नए ब्लॉग में आज हम आपका स्वागत करते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी पाकिस्तान पंजाब का एक सिटी है याकतपुर, उसके अंदर एक हिंदुओं का विलेज है चक नंबर 20A, जिसके अंदर हिंदू कम्युनिटीज आबाद है और उसके साथ एक मंदिर भी आबाद है जिस मंदिर का नाम है राम मंदिर। यहाँ के जो बादशाह अपराध है, यहाँ के जो पटवारी है, यहाँ के जो MP MN है, वो कह रहे हैं कि ये जगह जो है खाली कर दो, ये आप हिंदू यहाँ से चले जाओ। 22 साल हो गए इनको यहाँ पे आबाद हुए, इनके पास खुली कागजात हैं, पूरे प्रूफ हैं, ये पूरे सबूत के साथ यहाँ पे बैठे हुए। इन्होंने कोर्ट के अंदर, सिटी के अंदर, पुलिस थाने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वजीर अला के साथ, लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से हर किसी के पास से मंजूर शुदा कागजात इनके पास मौजूद है। उसके बावजूद भी इनको कहा जा रहा है कि ये जगह जी खाली कर दे, यहाँ पे एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, दूसरों के लिए जो है वर्जिश वगैरह का सामान जो है वो जिम बनेगा, उस तरह का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का कहा जा रहा है। इनके पास सबूत होने के बावजूद भी इनको कहा जा रहा है। जो पूरी एक स्टोरी है वो खुद ही इन्हीं की जबानी चल के सुनते हैं कि असल में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई क्या है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास जी, और फिर 41 अलाटमेंट हो गए, 59 बकाया, वो भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी रैमली बोर्ड को, रैमली बोर्ड ने फिर DCO को, DCO ने फिर आर्डर दिया AC नु, AC अमल दरामद अभी नहीं कर रहा, हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी भी इसको अमल दरामद कर। तमाम डॉक्यूमेंट रैमली बोर्ड के साढ़े कोर्ट ने, हाई कोर्ट दे गए, DCO सिकरोन साहब दे गए, रेमिया खान 3 लेटर DCO साहब दें, 3 ही डायरेक्शन हाई कोर्ट दें, 3 ही लेटर रैमली बोर्ड दें, तमाम जमाबंदी नक्शा हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे असि जाकर देने, कोई गल नहीं सुन रहा। AC पटवारी हथु धमकिया दें, हथु आके मंदिर थोड़ा गिरा देवे, प्लाट गिरा देवे, थोड़े घर गिरा देवे। और जो MP है ना वो साढ़े खिलाफ वो भी चल रहा है। मेरे नवाज को रिक्वेस्ट करते हैं बेन को जाए, हम नून लीग के खोल काउंसलर हैं, इंसाफ मिले हमको जी। जो 41 प्लाट है वो भी इनके यहाँ मंजूर शुदा है और जो 59 प्लाट है वो भी इनके यहाँ मंजूर शुदा है। रेवेन्यू बोर्ड ने और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सब ने इनको कह दिया है कि ये प्लाट इनको अलाट किए जाए। AC साहब ने भी कह दिया इनको प्लाट अलाट किया जाए। उसके बाद पटवारी साहब और यहाँ के जो सियासतदान है, AC साहब है, वो इनको नहीं कर रहे, वो इनको नहीं दे रहे। अब आप पूरी गेम समझ गए होंगे असल में बीच में मामला क्या है। ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं कि इनको प्लॉट्स दे दिए जाएं, लेकिन बीच वाला मामला कह रहा है, अमला कह रहा है कि जी इनको खाली कर दे। ये कहानी इनके बीच चल रही है। अभी मेरे साथ पूरे का पूरा आप देखें विलेज मौजूद है, ये देखें महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखो, पाक हिंदू आल्सो नीड ह्यूमन राइट, हमेशा पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ हर जगह पे, हर सिटी में देखा गया है 1947 से लेके आज तक कितने मंदिर थे जिनको, काफ़ी ज़्यादा मंदिर भी डिमोलिश किए गए, काफ़ी ज़्यादा हिंदू विलेज को डिमोलिश किया गया और काफ़ी ज़्यादा हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता। और ये देखिए उसके साथ साथ पीछे एक मंदिर बना हुआ है, ये भी कह रहे हैं कि इस मंदिर को भी ख़त्म कर दो, इसको साइड पर कर दो, ये जगह हमारे लिए खाली कर दे।
अब हम ये कहना चाहते हैं महमूद चौधरी महमूद, यहाँ के जो इलाके के MPA हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको खाली कर दिया जाए, उसके अलावा AC भी कह रहे हैं खाली। आप 10 मरबे का मालक है फिर रजता नहीं, ये हमारे जो 5 मरले जगह के आखिर के ये इसको खाली करें। देखें हमेशा पाकिस्तानी हिंदुओं की जगहों घरों बेटियों बहनों मंदिरों पे नजर रखी होती है, नजर रखी जाती है और ये गलत है। हम हर बार इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन हमारे हाथ खाली कटोरा आता है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम पाकिस्तान पंजाब के मरियम नवाज वजीर अला से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इन हिंदुओं के घर को बचाया जाए, हमारी इबादत गाहों को बचाया जाए, प्लीज़ इस तरह से हमारे साथ ना करें। पहले भी हम बहुत ही ज़्यादा दुनिया के अंदर हमारे पाकिस्तान का नाम किसी वजह से ख़राब हो चुका है। एक पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने के लिए यही जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं AC साहब हो गए और ये पटवारी हो गए, सारे के सारे हमें खाने की लत लगी हुई है। जिस तरह से कोई चीज़ लेके खाई जाती है ना, हमें वो चीज़ समझ लिया है कि ये इंसान नहीं है, हमारे लिए ये कोई चीज़ है। तो ये कह रहे हैं जी हमें इंसाफ दिया जाए। ये आप सामने मंदिर देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा साथ लेके आए। ये देखें ये महिला खड़ी है, मेरी अम्मा जी खड़ी है, मैं अम्मा जी से भी पूछ लेता हूँ, अम्मा जी क्या मसला है? अम्मा आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे बैठे हुए? 20 साल हो गए। आपके पास पूरे कागज हैं? फिर भी कहा जा रहा है आप उठ जाओ यहाँ से। अच्छा वो तंग करते हैं आप? अच्छा घर और मंदिर गिराने का भी कह रहे हैं? यही वाला मंदिर गिराने को कह रहे हैं? तो देखें जी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और ये रामा पीर राम प्रभु श्री राम का मंदिर जिसको गिराने का कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ जी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस विलेज को बचा ले जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मरियम नवाज आला से और शहबाज शरीफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम अकलीती बरादरी के रहने वाले हैं ना, हम कोई इंडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ना हमारा मंदिर गिराया जाए, ना हमारे घर गिराया जाए। और चौधरी MPA महमूद है वो भी रात को 12-1 बजे अमले को भेजता है, आज़म पटवारी को भी अमले के साथ आते हैं 12-1 बजे के दरमियान, हमें धमकियां भी देते हैं। ना हमारे बच्चों को बीवियों को ना दिन सुकून है ना रात सुकून है, हमें इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ वरना हम रोड़ों पे निकल आएंगे, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएंगे हम। तो जी दोस्तों इनका ये कहना है कि अगर हमें हक नहीं मिला तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, हम रोड़ों पे निकल जाएंगे, हम रोड़े बंद कर देंगे, हम अपने जाने कुर्बान कर देंगे। सर पहले भी तो बहुत सारी जाने कुर्बान कर रहे हैं और कितनी जाने कुर्बान करेंगे मंदिर के लिए, हम अपने जाने और भी कुर्बान करेंगे। देखें जी ये कह रहे हैं कि मंदिर के लिए और हम अपने बीवी बच्चों की इज्जत और उनके घर बचाने के लिए हम रोडों पे निकलेंगे, जहां तक हमें हम जा सके वहां तक हम जा सके। तो ये देखें पूरे का पूरा एक विलेज है वो बहुत ही परेशान हो गया है। ये देखें अगर अब मैं आपको साथ चल के इनके घर भी दिखा देता हूँ कि हाँ इनके घर कोई कच्चे बने हुए हैं या पक्के बने हुए या महल बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है वो भी मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। मरियम नवाज ने मैं आई कहूँ हूँ भाई मोना मोरी दे हम तो जगह दे दे, लोगों ने रकबा देना है, जिम्मेदारों ने कोई देना है, कोई कोई देना, मैं गरीब है ये टुकड़े हटा पहुँच मर लो हटा मोने क्यों आई हम जो बारे काटे। आपकी मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है कि हमें अपना घर दिया जाए और मुसलमानों के लिए और दूसरे लोगों के लिए तो देखो प्लाट भी दिए जाए सब कुछ, जरा हमारा ये मंदिर भी गिराने की कोशिश कर रही है, ये आप कहना चाहती हैं? मरियम नवाज ने कहो बेनती करो राम मंदिर जो तोड़े, तो ये जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी ये राम मंदिर हमारे क्यों तोड़ा जा रहा है? बच्चा है मोरा, कह रहे हैं जी हमें छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्यों घर से बर्बाद कर रहे हो, खराब कर रहे हो जी? अम्मा जी आप बताएं। बेचारा बीमार पे किन्ने साल के दवाई ले ठीक होन जाके किस वेले रोन बह जांदा नहीं मिलदी जदों बहन देखो मेरा की बनता है, वो बेचारा रोन लग जाता फिर उन बीमार हो जाता फिर असि उन दवाई लेवा ठीक होता है फिर दोबारा ये टेंशन दिन दिन तो फिर वही हो जाता है। आप अभी आपकी लास्ट तक यही रिक्वेस्ट है कि आपको ये जगह दे दी जाए, आपका मंदिर नहीं गिराया जाए, आपकी यही रिक्वेस्ट है? चलें ईश्वर करेगा कि आपको अपनी जगह दे दी जाएगी, आपके साथ इंसाफ ही होगा ना इंसाफी नहीं होगी। 5-6 दिन हो गए। अच्छा जी अम्मा जी आप क्या कह रही हैं? 5-6 दिन हो गए वो रोज आके तंग करते हैं, पहले तो है ना 10-12 साल सुकून नहीं निकले, 20 साल से ज्यादा हो गए मंजूर, कागजों के बावजूद भी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो देखें जी कागज होने के बावजूद भी इनको जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके पास पूरे सबूत हैं फिर भी उसके बावजूद भी आपको तकलीफ दे रहे हैं।
जी जी आप क्या कह रही हैं? अच्छा पुलिस वाले भी यहाँ पे ध्यान रखते हैं, आके चले मतलब आपके ऊपर ब्लैकमेल का एक झंडा लहरा रहे हैं, तंग मतलब तंग किया जा रहा है कि इनको उठाया जाए आखिरकार। ये शहर में जगह है इसीलिए वो उनको उनके यहाँ लालच पैदा हो गई है, जैसे कहते हैं वो भाई जिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मा जी आप अपना घर वगैरह दिखाएंगे जो मतलब जहाँ पे आपके वो कुलड़ी वगैरह बनी हुई है वो वाले? चलें जी हम आपको दिखा देते हैं इनके घर किस तरह के बने हुए हैं। तो ये देखें जी इस तरह के इनके घर हैं, बिल्कुल कख के बने हुए, तर के बने हुए, बिल्कुल इस तरह के घर बने हुए। इनको भी ख़त्म करने का कह दिया गया है। और यहाँ पे देख पानी के लिए ये यहाँ पे हैंडपम्प लगा हुआ है, जिस हैंडपम्प के जरिए ये आप भी पानी पीते हैं और अपने जानवरों को भी पानी पिलाते हैं। यहीं पे खाना पीना इनका इसी पानी से होता है। लोग फिल्टर का पानी का यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये छोटे से नल का पानी है वो भी इनको जो है वो ख़राब लग रहा है। ये देखें एक पूरा का पूरा एक विलेज है और इसी विलेज को जो है वो इसी का मसला पेश आ रहा है। मैं आपको विलेज भी विज़िट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये घर बने हुए इनके, ये लोगों के घर हैं। और ये देखें बिल्कुल एक दो दो जानवर रखे हुए हैं जिनको बेच के ये अपना घर का खर्चा वगैरह पूरा करते हैं। इन लोगों के पास इस तरह की छोटी छोटी सी बाइक होती है। सर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है? नहीं। मतलब कार वगैरह नहीं है? कोई चीज़ नहीं। अच्छा जो आपको 5 मरले मिली है उसको भी कह रहे हैं उसको भी गिरा दिया जाए? ये भी देखो कमरा डाल दे। जी 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 ये देखेंगे इस तरह का इनका घर है। ये विलेज में आपको दिखा देता हूँ, ये देखेंगे इस तरह का इनका विलेज बना हुआ है। ये देखो यही वो जगह है जिसको डिमोलिश करने का इनको कहा गया है। ये देखें